तो YouTube में अपना गूगल अकाउंट कैसे बनाएं, तो चलिए मैं आज मेरे वीडियो में आपको सिखाता हूँ कि YouTube में जाकर आप गूगल अकाउंट कैसे बनाएंगे, अभी नया अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल फ़ोन में अपना YouTube ऑन करता हूँ। ये देखिए मेरा YouTube है, ऑन कर दिया। अभी यहाँ पर मेरा ये जो साइड में कॉर्नर में दिख रहे हैं गोल मार्क, वहाँ पर मैं उसको टच करता हूँ। तो करने के बाद में यहाँ पर कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो क्या होगा, पहले क्रिएट अकाउंट में आपको टच करना होगा, क्रिएट अकाउंट फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस। तो ये अपना माई सेल्फ से होगा फॉर माई सेल्फ। तो पहले आपका नाम दीजिए, जैसे मेरा नाम है निवास पहिया, NIBAS निवास, इसमें भैया BHUYAN। तो मेरा मैं टाइटल दे दिया, मान लीजिए कुमार। तो क्योंकि निवास भैया नाम से मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, इसलिए मैं निवास कुमार नाम से एक ईमेल अकाउंट बना रहा हूँ। तो देखिए ये नेम हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। करने के बाद में यहाँ पर क्या क्या, एंटर योर बर्थडे एंड जेंडर, दिस जो इंफॉर्मेशन है ये देना पड़ेगा। मान लीजिए मेरा जन्म का महीना है और जनवरी फरवरी है, फरवरी दिन है, मान लीजिए 23 तारीख है, 23, और ईयर है 1996। जेंडर है मेरा फीमेल मेल, ज़्यादातर नोट से कस्टम, यहाँ पर मेल फीमेल का जो ऑप्शन है वहाँ से आप, मेरा मेल है मेल, बस नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या बताया है, क्रिएट ए जीमेल एड्रेस, यू कैन यूज लेटर नंबर एंड पीरियोडिक्स, आपका जीमेल एड्रेस एक बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मेरा जीमेल एड्रेस है NIPAS KUMAR। तो इसमें मैं देखता हूँ क्या होता है, नहीं निवास कुमार से नहीं, ये नाम देट यूज़र नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। तो दूसरा लेने के लिए बोल रहा है, ये नाम दूसरा कोई यूज़ किया है। तो मैं क्या करता हूँ, जो अवेलेबल में लिखा है कि निवास 369 ये अवेलेबल है, इसको ले सकता हूँ। तो चलिए मैं इसी को ले लेता हूँ कि निवास 369@gmail.com। तो अभी क्या करना होगा, अभी नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये नेक्स्ट। अब यहाँ पासवर्ड देना है, पासवर्ड क्या पासवर्ड देंगे, तो यहाँ पर देखा है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विथ ए मिक्स ऑफ लेटर नंबर एंड सिंबल। अब ये तीनों चीज़ होना चाहिए एक पासवर्ड में, जैसे मेरा नाम है NIBASH, ये हो गया। तो लेटर नंबर एंड सिंबल, नंबर कुछ भी नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4 दे दिया। अब इसमें और सिंबल, सिंबल मतलब यहाँ पर ऐड है, ये भी दे सकते हैं, जैसे ऐड एट द रेट दे दिया। तो ये हो गया पासवर्ड, ये पासवर्ड को अभी चेक करते हैं नेक्स्ट पे जाके। नेक्स्ट ये देखिए मेरा वेरीफाई आ गया, गेट वेरीफाई और सेंड योर फ़ोन नंबर। तो ये फ़ोन नंबर में, ये फ़ोन नंबर में मेरा एक वेरीफाई आएगा जो गूगल की तरफ से वेरीफाई करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे दबा देते हैं। नेक्स्ट, दिस फोन नंबर हैज़ बीन यूज्ड टू मेनी टाइम्स। तो सॉरी दोस्तों, ये नंबर पे मेरा बहुत बार हो चुका है, तो मैं दूसरे नंबर देना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं दूसरा नंबर दे देता हूँ। तो ये मैंने दूसरा एक नंबर दे दिया, इसमें देखते हैं एंटर कोड। तो इसमें कोड दूसरे नंबर पर भेज दिया है। तो
3 9 7 8 2। तो ये जो कोड वेरिफिकेशन दूसरे नंबर पर दिया है ये है कोड। नेक्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं, हाँ ये हो गया। SIM इन नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए निवास कुमार kanivas369@gmail.com ये आपका अकाउंट तैयार हो गया। यहाँ पर और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन ये लिखा हुआ है। इसके बाद में लास्ट में नीचे के साइड में देखिए आई एग्री लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक कर देने के बाद में ये देखिए गूगल आपका जो नया ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो गया है, अभी उससे ओपन हो जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो और एक अकाउंट आप ऐसे बना सकते हैं या अभी डायरेक्ट सेटिंग में भी जाके बना सकते हैं। तो ये हो गया यूट्यूब में देखिए निवास कुमार kanivas369@gmail.com ये नया अकाउंट हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग यूट्यूब में जाकर नया अकाउंट बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।